राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जैसलमेर में भी 7 सितंबर से प्रभात फेरी का आयोजन जारी है। ये प्रभात फेरी हर सुबह निकलती है और कांग्रेसी तिरंगा ट्रैक सूट के हाथ में भारत जोड़ो यात्रा का बैनर लिए गली गली देशभक्ति के गीत और भजन गाते हुए निकलती है। राहुल गांधी की कन्याकुमारी की यात्रा के साथ शुरू हुई ये प्रभात फेरी उनके कश्मीर पहुंचने पर भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही समाप्त होगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि देश के एकमात्र जैसलमेर जिले में भारत जोड़ो यात्रा के साथ प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही समाप्त होगी। उम्मेद सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई भारत जोड़ो पदयात्रा के तहत जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी भारत जोड़ो की अलख जैसलमेर में जगाने के लिए प्रतिदिन सुबह प्रभात फेरी की शुरुआत की, जो लगातार जारी है। उम्मेद सिंह ने बताया कि सुबह सुबह सर्दी होने के बावजूद भी प्रभात फेरी में शामिल होने वालों का जोश कम नहीं हुआ है। 7 सितंबर से लगातार शहर के सभी मार्गों से प्रभात फेरी गुजर रही है। अल सुबह शहर की गली मोहल्लों में जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान, भिन्न भाषा भिन्न वेश, भारत अपना एक देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई के साथ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे लगते हैं। इसके साथ ही जय जगत नौजवान आवोरे, राम धुन हम लोग हैं ऐसे दीवाने के प्रेरणा गीतों से शामिल सभी लोग आनंद की अनुभूति करवाते हैं। तिरंगे को हाथ में लिए भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाते चलते लोग गौरवशाली जैसलमेर एहसास दिलाते हैं। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने तक यह प्रभात फेरी जारी रहेगी।